हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, के TU छात्र प्रमोट हो गया, एग्जाम्स होगा, क्या अपडेट है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टाइम से डाउट में है कि इनका एग्जाम्स होगा या फिर एग्जाम प्रमोट होंगे। तो चलिए बता दें कि TU प्रमोट को लेकर, एग्जाम्स को लेकर क्या अपडेट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या अपडेट दिया है, चलिए बता दूँ आपको डिटेल में। लेकिन दोस्तों, अगर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको हमारे स्क्रीन पे पोस्ट दिख रही होगी। पहले मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया गया है। एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड फॉर ऑल टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट। बट आप इसको देखकर चौंकिए मत, मैं आपको पहले पूरा आर्टिकल्स इसको पढ़ के बताऊँगा, फिर उसके बाद इसका सारांश बताऊँगा, फिर उसके बाद अलग से जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव हैं उन्होंने क्या बोला है, जो स्टूडेंट्स ने पूछा कि प्रमोट होंगे एग्जाम्स होगा तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये पूरा बताता हूँ, आप जो है वीडियो पूरा सुनिए, उसके बाद मैं फिर इसका सारांश बताऊँगा, इसका ट्रांसलेटर बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है, इसका जो है उद्देश्य क्या है। चलिए हम बताते हैं क्या अपडेट है। 3 से 4 बातें कही गई। देखिए, यहाँ पर दिया गया कि लखनऊ द स्टेट टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज मोस्ट लाइकली टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल सच स्टूडेंट एंड विल इश्यू गाइडलाइंस इन द अपकमिंग डेज। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको पूरा रीड करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। दिस कम आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट टूक टू सोशल मीडियाज वॉइसिंग देयर कंसर्न ऑन द एमेंटी ओवर एग्जामिनेशन। वी आर प्रिपेरिंग टू होल्ड एग्जामिनेशन फॉर ऑल स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम फॉर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट शुड बी हेल्ड आफ्टर मिड जुलाई। जी हाँ दोस्तों, वाइल फॉर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सब्सक्वेंट ईयर्स द एग्जाम विल मोस्ट लाइकली बी अगस्त, सैड आलोक कुमार, कौन है ये, सेक्रेटरी है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ही सैड एग्जाम आर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, विदाउट एग्जाम स्टूडेंट विल सफर इन देयर करियर। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि अपसेट विद द गवर्नमेंट टेक ऑन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर ऑफ दिम एंड प्रमोटिंग स्टूडेंट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आर्ट कॉमर्स साइंस लॉ एंड एग्रीकल्चरल कोर्सेज विदाउट एग्जाम्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट टूक टू सोशल मीडियाज राइज द इशू आफ्टर कुमार, यानी आलोक कुमार से उन्होंने कहा कि ट्वीट किया कि स्टेट दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू होल्ड एग्जाम्स फॉर ऑल स्टूडेंट। द स्टूडेंट रिप्लाइड, वाई डिलेड फोर्थ ईयर रिजल्ट जस्ट फॉर वन डे ऑनलाइन एग्जाम्स, वी हैव टू वेट टिल अगस्त फॉर डिग्रीज, वेन वी हैव गिवन एग्जाम्स फॉर ऑल इवन सेमेस्टर कैन नॉट वी बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस प्रीवियस। ठीक है, उस पर उन्होंने कहा कि पिलेटिंग प्रमोशन स्टूडेंट सेड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑनलाइन एग्जाम्स नो प्रैक्टिकल कुड बी परफॉर्मेड एज सिलेबस फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट रिमेन इनकम्प्लीट। उसके बाद इन्होंने फिर आगे कहा, ऑन ट्यूजडे द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्रमोट ऑल फर्स्ट ईयर। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करता हूँ, ऑन ट्यूजडे द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्रमोट ऑल फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर UG एंड PG स्टूडेंट विदाउट एग्जाम्स इन व्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ BTech एंड BPharma और ऑल्सो डिमांड। देखिए, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डिमांड किया, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, तो उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप जो यहाँ पे इस जो वर्ड है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए। तो देखिए, यहाँ कहा गया कि ऑन ट्यूजडे द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्रमोशन ऑल UG एंड PG फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट COVID-19 सिचुएशन विद इन दिस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ BTech एंड BPharma एंड ऑल्सो डिमांड दैट दे शुड बी प्रमोट विदाउट एग्जाम्स, यानी फर्स्ट ईयर। इसमें जो बात कही गई है उसमें 203 बात जो मेन है, एक तो ये कि सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं, जैसे पॉलिटेक्निक और ITI पॉलिटेक्निक BTech जितने भी स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट के आते हैं, सभी का लाइकली जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया कि फाइनल वालों का जो है एग्ज़ाम्स थोड़ा पहले होगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट आउट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से देख सकते हैं, जो फाइनल वालों का एग्ज़ाम्स का मिड ऑफ जुलाई में होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम्स लास्ट अगस्त में होगा, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स लास्ट में होगा, थर्ड ईयर का हो सकता है पहले, लेकिन जो फाइनल वाले स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम्स दोस्तों मिड ऑफ जुलाई, 15 जुलाई के नियर अबाउट होगा, 15 जुलाई के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। बट इसमें जो दिया गया मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है,
उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आलोक कुमार सर जो मैं आपको बता दूँ ये कौन है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है उसके सेक्रेटरी हैं, यानी ये इनको डिसीजन लेना होता है। तो इन्होंने जो है ये उनकी तरफ से आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं ट्विटर हैंडल पर, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे ट्वीट किए हैं, आज भी उनका ट्वीट आया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो है लॉ वगैरह का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि लॉ और एग्रीकल्चरल और जो है कॉमर्स वगैरह का, कि वो स्टूडेंट जो है यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी सारा इशू उठ रहा है प्रमोशन को लेकर। उसके बाद यहाँ लास्ट में उन्होंने ये बोला है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं यूजी और पीजी के स्टूडेंट विदाउट एग्जाम्स व्यू ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 सिचुएशन को लेकर कोविड-19 जो पैरेडमिक स्थिति उसको देखते हुए छात्र प्रमोशन की मांग कर रहे हैं बीटेक और बीफार्मा वाले, यानी आल्सो डिमांडिंग द दे शुड बी प्रमोटेड विदाउट एग्जाम्स। यानी दोस्तों इसमें मेन चीज़ यही कही गई है कि जो स्टूडेंट जो है प्रमोशन के लिए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, चाहे बीटेक वाले हैं बीफार्मा वाले कोई भी हो, लाइक कोई भी कोर्स हो, तो सभी जो है स्टूडेंट विदाउट एग्जाम्स के प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट का ये जो सेक्रेटरी है आलोक कुमार सर उनकी तरफ से यही डिसीजन है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अब देखो फाइनल डिसीजन कब तक आता है, क्योंकि ये सेक्रेटरी है, अब उसके बाद अभी जो डिसीजन आएगा वो गवर्नमेंट इस पर क्या इश्यू लेती है। उसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ अभी और आई है अभी की, और वो भी मैं अभी इसके बाद वीडियो के बाद अपलोड करूँगा और आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो आप देख लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और उसके अलावा इसमें अभी थोड़ा एक दो रिप्लाई भी दिखा देता हूँ, जो उस कुछ स्टूडेंट ने सवाल पूछा एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, और जो अपडेट आई है वो आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है अगर वो हासिल हो जाए। लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो अभी डालूंगा एक डेढ़ घंटे बाद उसमें बताऊँगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो रिप्लाई वगैरह दिया स्टूडेंट ने वो। तो एक स्टूडेंट इन्होंने पूछा था जिनका नाम है प्रशांत श्रीवास्तव, उन्होंने पूछा था कि सर मेक एनी फाइनल डिसीजन शॉर्टली ऑन विच ईयर स्टूडेंट विल बी प्रमोट और विल बी एग्जाम। उसके अलावा उन्होंने कहा था मेक एनी ऑफिशियल नोटिस फॉर ऑल टेक्निकल स्टूडेंट, दे ऑल आर कन्फ्यूज्ड आफ्टर डॉक्टर दिनेश जो कि बीजेपी की हैं होम HRD मिनिस्टर हैं उनकी, उन्होंने डिसाइड टू प्रमोट स्टूडेंट सो मेक एनी ऑफिशियल नोट्स। यानी उन्होंने कहा कि सर उन्होंने कहा कि ऑफिशियल नोटिस जो है कोई जारी नहीं की, इसलिए स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग में है और एग्जाम्स वगैरह के बारे में। तो उसके बाद इन्होंने रिप्लाई किया दिया आलोक कुमार सर ने, आप देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ वी विल ट्राई टू होल्ड ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं इन्होंने क्या कहा है। उसके बाद फिर एक स्टूडेंट है अरमान जिनका नाम, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इज MBA फर्म AKTU कम्स अंडर UP टेक्निकल डिपार्टमेंट विल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट गेट प्रमोटेड और नॉट, प्लीज़ सर आई वॉन्ट टू नो दिस। आलोक कुमार सर जो कि सेक्रेटरी हैं एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्या कहा कि व्यू विल आल्सो अपियर इन ऑनलाइन एग्जाम। उसके अलावा मनोज हैं जो कि पूछ रहे हैं कि महोदय आलोक कुमार सर जी कृपया आप ये सुनिश्चित कर दीजिए कि आप पॉलिटेक्निक अंतिम वर्ष की परीक्षा किस माध्यम से बोर्ड ऑफ टेक्निकल के द्वारा कराई जाएंगी, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन, यानी पॉलिटेक्निक यानी BTUP की परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट इस तरह से कमेंट पूछा, तो दोस्तों मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी, तो आप चाहो उस पर मेरे चैनल पर विजिट करके देख लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों AKTU रिजल्ट के रिगार्डिंग, या फिर AKTU का फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना है उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं वीडियो नहीं करके काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट हो रहा है कि कैसे फॉर्म फिलअप करें, तो अगर आपको भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई भी डाउट और कॉन्टैक्ट कॉलेज आ रहा है, या फिर फॉर्म नॉट ओपन दिखा रहा है, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं हो रहा, यानी आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम फॉर्म क्यों फिलअप करें अगर प्रमोट होना, तो देखो प्रमोट होना हो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, क्योंकि वो तो आपका एडमिशन होना है, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप प्रमोट होना हो एग्ज़ाम हो ना हो, ठीक है। बाकी प्रमोशन एग्ज़ाम्स की एक न्यूज़ और आई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पर विजिट करके देखना हमारे चैनल पे, एक डेढ़ घंटे बाद वो वीडियो अपलोड होगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना, कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करें।